तत्काल एनआईए इन सब गतिविधियों पर रोक लगाया। देश में मानवाधिकार का हनन हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ। एवं बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है, ऐसे में आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी माले के विधायक हैं उनके द्वारा बिहार विधानसभा पोर्टिको के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आज प्रदर्शन हो रहा है? आज दो मांग मुख्य रूप से है। एक तो पहला कि एनआईए को पूरी तौर पे छूट दे करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर मुस्लिम समुदाय को तंग तबाह करना, उन्हें आतंकित घोषित करना, उनको नोटिस करना, ये सब कार्रवाइयाँ चल रहा है। तो ये एक मांग है कि तत्काल एनआईए इन सब गतिविधियों पर रोक लगाएं और स्वतंत्र रूप से कार्य करें। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि देश के संविधान में संशोधन करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो न्यायपालिका के न्यायाधीशों की बहाली में कॉलेजियम सिस्टम था उसे सरकार समाप्त करना चाहती है और सीधे तौर पर न्यायपालिका में आरएसएस के लोगों को बैठाना चाहती है, जिसे न्याय प्रणाली पूरी तौर पर आरएसएस का पक्ष में हो जाएगा। और इसलिए और दूसरी बात यह है कि पूरे देश में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, इस पर रोक लगे। चाइना जो है लगातार भारत के सीमा में घुसपैठ कर रहा है, इसको रोकने में नरेंद्र मोदी नाकाम है। आज हम लोग इस सवाल को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार सरकार में भी हम लोग मांग करेंगे कि सरकार संज्ञान में ले और इन सब गतिविधियों पर रोक लगाने की केंद्र सरकार से मांग करें। तो हमारे साथ कुछ और भी विधायक हैं, आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है स्वर्ण आरक्षण के खिलाफ बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करो। सर, क्या कुछ मामला है? सबसे पहले ईडब्ल्यूएस का मामला है। तो सबसे ज़्यादा तो गरीब लोग इसमें जो अति पिछड़ा है, दलित हैं, इन लोग जो है आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर हैं, लेकिन इनके लिए वो जगह नहीं है। और इनका जो आरक्षण था इसको कमज़ोर कर दिया गया है। 50% से ज़्यादा की बात नहीं थी, लेकिन 50% से ज़्यादा कर देने के बाद इन जो गरीब लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा जो बैकवर्ड और दलित जो हैं, इन लोगों के सामने जो है कम से कम जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं इनको देने के बजाय इनको छांट दिया गया जो संविधान के खिलाफ है। इसलिए हम लोग ये सवर्णों के लिए जो ईडब्ल्यूएस का जो मामला जो सामने लाया गया है ये बहुत ही संविधान के खिलाफ निर्णय है, जिसका जज ने भी इसका विरोध किया है। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको खारिज किया जाए और जो सचमुच में जो गरीब लोग हैं और अति पिछड़ा दलित इन लोगों के जो आरक्षण है इसमें कटौती न किया जाए। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि CPI ML के विधायकों के द्वारा आज केंद्र सरकार के खिलाफ कई मुद्दे को लेकर जो है बिहार विधानसभा पोर्टिको के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और इनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया है उसको लेकर भी हम बिहार विधानसभा से और महागठबंधन की सरकार से यह मांग करते हैं कि वो एक प्रस्ताव पारित करे और केंद्र सरकार को भेजे। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।